जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे पुल को आपको दिखा रहे हैं, इसे बोला जाता है अमरी का पुल, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इधर क्षेत्र में प्रचार बन हो गया है कि यह मौत का पुल है। यह ऐसा पुल है जहां हर महीने दो चार लोगों की मौत होती है, और किस लिए होती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का एक्सीडेंट होता है। अभी आप देख रहे हैं, देखिए, यह कहीं ना कहीं किसी गाड़ी से ठोकर लगा है और पूरी तरीके से पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। अचानक इतना ज़्यादा यहाँ पर इस पुल का वो इतना मोड़ दिया गया है, आप देखते होंगे कि देखिए कई तरह के इतना बीच में इतना पतला कर दिया गया है कि कोई इधर देखिए, इधर थोड़ा दिखा दीजिए, कहीं पर भी आपको ब्रेकर नहीं है। आदमी अगर इतना शानदार रोड है, कोई भी रफ्तार में आते हैं लोग तो अचानक लाकर इस पुल में लड़ा देते हैं लोग, और रात के समय में अक्सर यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यह बहुत ही खतरनाक हो गया है और तमाम लोगों की जानें जा चुकी हैं इस पुल पर। लेकिन जो यातायात है, जो कम से कम जो उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग है, जो सड़क विभाग है, केंद्रीय सड़क विभाग है, उन सबको इस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि कम से कम ब्रेकर लगा देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति रफ्तार में आता है, इधर लड़ा देते हैं, सब टूट गया फूट गया। तमाम लोग आते हैं अक्सर इधर अंदर लेकर चले जाते हैं गड्ढे में, और खाई है, तमाम लोगों की जानें चली जाती हैं। गांव का इधर बच्चे हैं, सब हॉकी खेल रहे थे लोग नहर में, तो हम लोग और हमने इनसे उनको बुलाकर थोड़ा इनसे भी पूछने का प्रयास कर रहे हैं। बाबू बताओ, जो पुलवा बा, पुलवा इतना टेढ़ा बा, तो बहुत दुर्घटना होती है? यस, बहुत होता है, दुर्घटना होता है। यस, बहुत तमाम लोग हमको, हम सुनते हैं कि इसी में हिला देते हैं लोग अंदर। yes, चले कई लोग की मौत हो गई है, कई लोग की मौत हो गई, हजारों सैकड़ों लोग मर चुके हैं इस पुल पर। yes. लेकिन उसके बावजूद भी जो भी नहर विभाग है या जो सड़क विभाग है, वो इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इस पुल को सही कराया जाए। अब बीच में इतना पतला पुल हो गया है, थोड़ा इधर से दिखाइए ना, इधर से किस तरह से इधर रोड आया है, देखिए कहीं पर ब्रेकर लगा है, न कोई संकेत लगाया गया है, देखिए बहुत दूर ब्रेकर है, और नजदीक में पुल अचानक मोड़ दिया गया है। तो कोई भी व्यक्ति जो रफ्तार में गाड़ी लेकर आते हैं लोग अक्सर इधर टकरा जाते हैं। कोई इधर इधर दिखा दीजिए कितना खाई है, जो इस खाई में घुसेगा गाड़ी लेकर या पलटेगा वो कहाँ बचेगा, इतना खतरनाक मोड़। इधर आइए थोड़ा दिखाइए, देखिए कितना कई जगह पर मोड़ा गया है, नहीं है किसी रुपये का मोड़ है, जगह जगह मोड़ है। इधर देखिए आपको दिखा रहे हैं, अमरी का पुल है और निचलौल तहसील के अंतर्गत यह जो नहर है, जो नहर झुलनीपुर से नहर आ रही है निचलौल, तो सात पात पुल और तेरह चार पुल होते हुए, तो देखिए यहाँ पर भी देखिए किस तरह से गाड़ियों का टक्कर किया लगा है यहाँ पर भी। अब आप अनुमान लगा लीजिए, अगर कोई व्यक्ति इसमें टक्कर करके अगर इधर खाई में जाता है तो उसको कहाँ बचेगा, कहाँ उसकी जान बचेगी। इतना पतला रोड है, जगह जगह देख रहे हैं एक्सीडेंट हो जा रहा है। उधर भी थोड़ा दिखाइए, देखिए किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, एक साथ दो गाड़ियाँ नहीं आ पाएंगी, इतना पतला पुल है। दोस्तों, कोई भी रोड अगर चौड़ा होता है, वन लेन से टू लेन अगर बनता है, तो अगर कोई पुल है तो पुल को भी चौड़ा किया जाता है, और यह रोड तो टू लेन हो गया है लेकिन पुल आज भी मतलब पतला है, जिसके वजह से एक साथ दो गाड़ियां नहीं जा पाएंगी। देखिए इधर कितना पतला पुल है, एक साथ दो गाड़ियां नहीं जा पाएंगी, अगर बीच में कोई दो गाड़ी अगर आ गई तो आपस में टकराना निश्चित है। इसी तरह से दुर्घटनाएं होती रहती है, देखिए इधर इधर टूटा फूटा है तमाम, इधर भी देखिए जगह जगह तमाम जगह पर गाड़ियों का मतलब गाड़ियाँ किस तरह से लड़ी हैं, जगह जगह पुल क्षतिग्रस्त हो गया है और इतना घातक हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन जो भी हैं लोग, नहर विभाग या सड़क विभाग के प्रशासन के लोग, वो सब मौन है। देखिए किस तरह क्षतिग्रस्त हो गया, अगर कोई व्यक्ति आता है गाड़ी अंदर हिला देता है तो बताइए कहाँ बचेगा, इतना अंदर इतना खाई है कि जो गिर जाएगा वो बचेगा नहीं। और साल में नहीं कुछ तो सैकड़ों लोगों की मौत होती है इस पुल पर, लेकिन उसके बावजूद भी इस अमरी पुल को सही नहीं किया जा रहा है। आज भी ये मौत का पुल आज भी वैसे ही है और इस पर प्रशासन का ध्यान नहीं है। तो साथियों, एक चाचा जी हैं, इस रास्ते से गुजर रहे थे, इनसे पूछ रहे हैं, देखिए समोसा बेच देगा, देखिए समोसा पावरोटी बेचते हैं ये भी, इस रोड से रोजाना आते जाते रहते हैं। ये बताओ भाई, पुलवा जो भाई अमरी की पुलवा, तो देखो तो नहीं जगह जगह टूटल बा, जगह जगह पता लोग कहला कि बहुत सारा लोग पुल लड़ के भीड़ के मरल है, इतना पतला पुल बा। तो अरे लोग नहीं कहला, ये हकीकत बात है, हकीकत बात है, हकीकत बात है। लेकिन अब बच्चे इस पे देख रहे हैं, गाड़ी वाले फुल हाउस पे चला रहे हैं, तो मतलब मेन हाईवे बनल बा, दू लेन बनल बा और पुलवा पातर बा, केहू आई तो अपन लड़ जाई, और हां केहू लड़ जाई, और तो चाकर रह तराई के लड़ चाकर हो जाता सही रहले। हां, कोनो रोड दोस्तों, कोई भी रोड चौड़ा होता है तो उसको जो पुल रहता है उसको भी चौड़ा किया जाता है। हां, उसको भी चौड़ा किया जाता है, लेकिन ये फिर भी पतला हो गया, इसलिए आदमी घायल हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, तमाम लोग की जान जाती है, 100% होती है, 100% घटनाएं होती है। लेकिन अब सरकार पर ध्यान नहीं देता, ध्यान नहीं देता है, ध्यान नहीं दे रही है। भैया जी राइल बना, तो भैया बताओ कि जो पुलवा के हालत एक भाई इतना टूटल फूटल वाले, लेकिन प्रशासन के लोग ध्यान नहीं देता है। अरे तो प्रशासन के लोग के, आप लोग जागरूक कीजिए कि प्रशासन के लोग ध्यान दे इस बात पर। कहा जाला कि वहाँ मौत के पुल, कहते हैं लोग कि अमरी का पुल नहीं मौत का पुल बोलते, जैसे यहाँ पर इटहिया धाम है ना, जब स्टार्ट होता है
तो धाम जितना दिन रहता है उतना दिन में मान लीजिए 10 लोग का मरना या निश्चित है। मदर थाने जाते हैं वो जाना दम निश्चित है वो तब एक्सीडेंट होते रहते बहुत होता है एकदम लाखों लोग इस रोड से आते हैं जाते हैं और पुल का हालत वैसे कैसे वैसे ही है। हमारी मरम्मत होता है रोड पतला है माया कोई रोड चौड़ा है उधर एक तो पतला है माया कोई टाला आया कोई ट्रैक्टर आया ठोक देगा फिर टूट जाएगा फिर लोग की मौत हो जाती है। इधर देख सकते हैं इतना ज्यादा खाई है किसी में कोई गिरेगा तो बचेगा नहीं नहीं बचने का सवाल है नहीं है नहीं नहीं हर महीने कुछ लोग जान जाते हैं। हाँ हाँ वो तो जाना निश्चित है। तो देख सकते हैं दोस्तों जो भी राहगीर हैं जो भी लोग इस रास्ते से गुजर रहे हैं सबकी परेशानी है सबको दिक्कत है और इसे जो भी लोग इस रोड से गुजरते होंगे वो जानते होंगे कि इस अमड़ी का पुल जो है इसको मौत का पुल लोग बोल रहे हैं। कि अगर आपको हमारा मुद्दा अच्छा लगता हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी जिम्मेदार लोग हैं इस पर कार्रवाई करें और इस जो पुल है इस पुल को चौड़ा किया जाए और दुर्घटनाएं होने से लोगों से बचाया जाए। दोस्तों मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। जय साथियों, धन्यवाद।